कलर स्प्रे ये वो बाल कितने डैमेज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपसे आयशा खान के लेटेस्ट कमर्शियल डाबर आमला के पीटीएस शेयर करेंगे कि कमर्शियल कैसे शूट होता है और इनके बाल ड्रामों में तो इतने हसीन नहीं लगते लेकिन कमर्शियल में इतने हेल्दी और इतने हसीन कैसे नज़र आते हैं, उसका सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात, ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस लगाई जाती हैं। देखें, आयशा खान के ड्रामों में इतने ज़्यादा मोटे बाल नहीं नज़र आते और उसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें जो है ना उसी टाइम ऊपर कलर अप्लाई किया जाता है जब शूट होनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनके जब बालों का कमर्शियल होता है तो उसमें इनका ड्रेस और जो इनका मेकअप और इनकी ज्वेलरी है वो बहुत लाइट रखी जाती है ताकि जो सारी तवज्जो है ना वो सिर्फ बालों पर हो। अब आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ आयशा का बिल्कुल नो मेकअप लुक है और जो कपड़े भी बिल्कुल सिंपल हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो इनके बाल हो रहे हैं क्योंकि ये बालों का कमर्शियल है। इसी तरह जब ज्वेलरी का कमर्शियल होता है टीवी उसकी ऐड होती है तो ज्वेलरी हैवी होती है, बाकी मेकअप ऐवें ही होता है। तो इस तरह करते हैं ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों बालों की तरफ। और ये देखें, आयशा खान अपना मेकअप खुद कर रही हैं और हेयर स्टाइलिस्ट जो है ना वो बेचारा पीछे पीछे भाग रहा है कि किसी तरह मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं ना इसको सब कुछ लगा दूँ बालों में। और आप देखेंगे, ये देखें कलर अप्लाई करेगा इसको, बस इसका बालों में ही ध्यान है कि किसी तरह मेरा काम सही हो जाए, बाकी सब खैर है। ये देखिए, पता नहीं कितना कुछ लगाते हैं फिर जाके। और ये देखो, फ्लफ़ी सा दिखाने के लिए हेयर स्टाइल एक तो ऐसे बनाया गया है, बाल बहुत फ्लफ़ी से बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और ये शेडिंग देखें,